हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो यहाँ पर बजाज हिंदुस्तान शुगर के Q3 के नंबर्स आ चुके हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कंपनी ने क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे कैसा परफॉर्म किया है और आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले अगर आप रेवेन्यू देखेंगे तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस नहीं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में, तो अगर आप पिछले क्वार्टर से कंपेयर करते हो तो इस क्वार्टर में कंपनी का 6% का डिक्रीमेंट हुआ है, मतलब 6% से और रेवेन्यू नीचे गिरा है। और इस क्वार्टर में कंपनी ने 1,257 करोड़ का रेवेन्यू किया है। उसी के सामने अगर आप लॉस देखेंगे कंपनी का, तो इस क्वार्टर में कंपनी ने 164 करोड़ का लॉस किया है, जबकि पिछले क्वार्टर में उनका 113 करोड़ का लॉस था। तो यहाँ पर लॉस भी कंपनी का इंक्रीज़ हो गया है क्यू ऑन क्यू बेसिस पे, और रेवेन्यू भी गिर रहा है। तो क्वार्टरली वाइज कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे नहीं है। अब यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो पिछले दिसंबर के क्वार्टर से कंपेयर करते हो तो इस दिसंबर के क्वार्टर में 28% का डिक्रीमेंट है, मतलब उस टाइम के रेवेन्यू से और 28% कंपनी का रेवेन्यू नीचे गिरा है। और जो लॉस था जो 190 करोड़ का था इन प्रीवियस दिसंबर क्वार्टर, वो अभी 164 करोड़ का हो गया है। तो अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर कंपनी का लॉस देखें तो वो रिड्यूस हुआ है। बट ऑल्दो अगर हम देखें बाकी चीज़ें भी अगर नोट डाउन करें तो यहाँ पर कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, क्योंकि अभी भी कंपनी लॉस में है और साथ ही में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कंपनी का रेवेन्यू गिर रहा है और लॉस बढ़ रहा है। तो ओवरऑल कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए हैं। अब यहाँ पर 5-year हाई की बात करें तो 24.65 रुपीज़ है और करंटली 16.10 पे ट्रेड कर रहा है, 0.05% डाउन है। तो ये शेयर आपको लोअर सर्किट पे भी दिख सकता है, तो अगर आपने सोचा इसमें ट्रेड लेने का तो आपको उसे अवॉइड करना चाहिए। आई होप आपको बजाज हिंदुस्तान शुगर के Q3 के नंबर समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।